के बारे में क्या चीज है, थोड़ा बताइए ना, एकदम नया सब्जेक्ट है मेरे लिए, थोड़ा अच्छा सर, एक सा बताइए। सर इसके अंदर हम लोगों का क्या हाँ होता है, जैसे हम लोगों का वैदिक है, ठीक है सर, तो वैदिक में भी आप लोगों को क्या होता है, अंदर प्लेनेट को पकड़ने के लिए जाना होता है कि राइट, भाई इसका शादी देखना है तो D9 चार्ट देख लूं, अगर इसके बच्चे देखने D4 चार्ट देख लूं, या कुछ भी हाँ हम लोगों ठीक के है, पास वहां पर ना डिविजनल चार्ट हो जाते हैं सर। और अच्छा जब हम लोग बात करें केपी की, तो इसमें सर हम लोगों को ट्रांजिट पर जाना पड़ता बिल्कुल ठीक, है ना, और वहां पर ये जो वैदिक हो गया और केपी हो गया, इसमें ना आप लोगों के पास दशा और अंतर दशा है, लेकिन बिल्कुल BNN में आपके पास ना दशा अंतर दशा नहीं है नहीं है, सर। अच्छा BNN ना आपको चार्ट जब अभी मैं लगाऊंगी ना, तो सिंपल चार्ट ही आपको बता देगा भाई कैसा है ये व्यक्ति का चार्ट, किस ठीक चीज के लिए व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ेगा सर। हमें कहीं है अंदर नहीं जाना है, मत अंदर जाने का मतलब कुछ ट्रांजिट देखने नहीं जाना है आपने, कुछ हाँ डिविजनल चार्ट देखने के लिए नहीं जाना है इसमें आप लोगों को। अच्छा ऊपर से ही चार्ट बता देगा कि कैसा चार्ट है सर। ये जो हम लोगों का BNN ज्यादा चलता है ना, तो ये BNN हम लोग ये दो प्लेनेट पर ज्यादा देखते हैं, एक जीव और एक कर्म, राइट क्योंकि यही दुखी होंगे जिस वजह से व्यक्ति हम लोगों के पास आते हैं सर, बिल्कुल ठीक है, इसी की वजह से व्यक्ति दुखी होकर कहीं ना कहीं हम लोगों के पास आ रहा है सर। अगर नहीं सब कुछ लाइफ में सही चल रहा है तो कोई हमें पूछे भी ना सर, नहीं सब अच्छा चल रहा है, उसके बाद कोई वो नहीं है। हाँ जब कभी कोई दिक्कत में फंसता है तो सर, तभी ये आएगा, प्लेनेट एक बार, ये प्लेनेट बहुत अच्छा है सर। क्यों? किसी भी व्यक्ति का यदि ये प्लेनेट जुड़ गया है, यही व्यक्ति जा रहा है एस्ट्रोलॉजर के पास सर। क्यों? ये इच्छा है, इसकी इच्छा है, ये जाता है, और क्या होता है, किस लिए जा रहा है सर, ये इस वजह से जा रहा है, मैं जाऊंगा और वो मुझे कोई रेमेडी देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक, ये वाला बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, देखा जाएगा जो होगा, ये नहीं जाता, ये जाता है। क्यों? इसको उम्मीद है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है, एक हमारी वो समझ जाएंगे, हमारी जो पहले क्लास हुई है तो उसमें मैंने बताया था, राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, अच्छा राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है सर, अगर अभी आपका काम चल रहा है तो थोड़े टाइम के लिए अटका देगा। अगर राहु को दिख रहा है, अगर राहु किसी प्लेनेट पर आया और आपको उसको दिखा कि इसका काम नहीं हो रहा, अब सर आपका काम बनाएगा। राइट राहु आप लोगों के जिस भी साइन में है ना, काल पुरुष की कुंडली का वो हाउस है, आपकी उस चीज को लेकर इच्छाएं हैं जो पूरी भी होती हैं, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होते। राहु एक ऐसा प्लेनेट है सर, टॉपिक नहीं था फिर भी चलो उठ गया, तो लेकिन फिर भी इस चीज को आप लोग लगाना, उस चीज के लिए आप संतुष्ट नहीं है जिस भी साइन में राहु बैठा है, उसे काल पुरुष की कुंडली का वो हाउस मानिए। मैम अब ट्रांजिट में 1 में है तो सभी लोग उसके लिए परेशान होंगे। मैम देखो ट्रांजिट में सबके लिए 1 में है, ठीक हाँ है, ट्रांजिट तो अपनी जगह पर काम करता है, लेकिन प्रोग्रेशन एक बिल्कुल बात होती है जो अपनी जगह काम करता है, क्योंकि हम लोग ना बाय बर्थ एक चार्ट लेकर पैदा हुए हैं। हम लोगों को लगा कि हम लोगों का चार्ट थम गया है वहीं पर, बस वहीं पर ही रुक गया, चार्ट रुका नहीं है, चार्ट चल रहा है, प्लेनेट की मूवमेंट हो रही है, बस क्या है उतना डिग्री पर प्लेनेट हम लोगों को मिल गया है, ठीक है मैम। डिग्री के लिए एग्जाम्पल के लिए मेरा सैटर्न में 28 डिग्री का लेकर आई हूँ, ठीक है मैम, तो उसने 2 डिग्री अभी और वहां पर कंप्लीट कर ली, कितने साल का होता काम है ये मैम, ठीक है ना, 30 साल काम का होता है मैम ये, तो ये अब वहां पर क्या है, 2 साल ये और काटेगा फिर ये अगले घर में चला जाएगा। मूवमेंट इसकी रेगुलर चल रही है हम लोगों की प्लेनेट की, जिस वजह से हम कहते हैं BNN सबसे अच्छी, म्यूट करना जिसके यहाँ से आवाज आ रही है, तो सबसे अच्छी प्रिडिक्शन हम लोगों की यहाँ पर निकलती है, ठीक है सर। अब सर चार्ट देखना बताती हूँ आप लोगों को कि चार्ट किस तरीके से देखना है। एकदम से चार्ट देखते ही आप लोग कैसे पहचान जाओगे लाइफ में किसको दिक्कतें होंगी किसको दिक्कतें नहीं होंगी सर। पिता अच्छा का चार्ट नहीं है, उर्जा को देख लेना सर। मदर का चार्ट नहीं है, मून को देख लेना। भाई बहन, छोटा भाई है बड़ा भाई है, पता लगाना है, मंगल और शनि को देख लेना सर, ठीक है। आप लोगों की पार्टनरशिप अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, पार्टनरशिप के लिए आप लोग मंगल को मैम देखना। कोई व्यक्ति जब क्वेश्चन करने आएगा ना, मेरी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, आपको मंगल को पकड़ना है। चाहे अब आप वाइफ को ही पार्टनर बनाने जा रहे हैं, लेकिन भी पार्टनर कहाँ बनाने जा रहे हैं, काम के अंदर। वो स्पाउस है वो एक अलग बात है, स्पाउस के रूप में वो आपका वीनस है, लेकिन एक पार्टनर के रूप में वो आपका मंगल है।
लेकिन पार्टनर बनाने के बाद आपको मिला क्या? धक्के मिले या फायदा हुआ? जिसके मंगल के आगे अच्छे प्लेनेट है वो पार्टनरशिप करे, जिसके मंगल के आगे खराब प्लेनेट है पार्टनरशिप नहीं करनी है। बता भी देती हूँ सर कैसे, ठीक है? अब सर हम लोगों को यदि मैडम, हाँ जी मैम, मैसेज आ रहा है पार्टिसिपेंट हैज एनेबल्ड क्लोज्ड कैप्शंस लाइक, हाँ जी, हु कैन सी ट्रांसक्रिप्शन, वो सब आ रहा है, पहले नहीं आता। मैम अभी भी आ रहा है? अभी अभी आ रहा है, आ रहा है। इसको वो नहीं आ रहा ना, उसको क्लिक करो, मुझे भी आया था, उसको आप क्लिक कर सकते, मुझे नहीं आ रहा यहाँ पर कुछ भी ना, उसके ऊपर कैंसिल का क्लिक कर देना। हाँ कैंसिल कर, कैंसिल कर, क्योंकि मेरे यहाँ पर नहीं आ रहा ऐसा कुछ भी ना, किसी ने एनेबल किया है। हो गया मैम, कैंसिल कर दिया तो कैंसिल मैम। हाँ जी चलिए सर, अब एक चार्ट को पकड़ना है मुझे, एक रूल लिखना सर, जिस ग्रह के आगे पीछे आप लोग ट्राइन को देखते हैं, दो बारह को देखते हैं, सेवंथ को देखते हैं, लेकिन किसी प्लेनेट की यात्रा को पकड़ना, सस्त्रीकाल में अगर किसी प्लेनेट की यात्रा को पकड़ना है, ठीक है सर, यात्रा मत, यात्रा को पकड़ना है, यात्रा मीन्स मूवमेंट, ठीक है सर, हमें किसी भी प्लेनेट की मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से देखनी है कि प्लेनेट की मूवमेंट कैसी है, किससे मिलकर आया है, किससे मिलने जा रहा है, इस बात को नहीं भूलना है सर हम लोगों ने। और जब वो मिलने के लिए जा रहा है तो कोई है भी पास में मिलने के लिए? अगर कोई पास में नहीं है, इसका मतलब प्लेनेट को ट्रेवल करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे देखना है किसी व्यक्ति के बारे में कि ये कैसा चार्ट लेकर आया हुआ है, ठीक है सर, तो मुझे उसे जुपिटर को देखना। अगर जुपिटर के आगे और पीछे घर खाली है तो इसका मतलब है जीव की लाइफ में काफी संघर्ष है। सेम इसी तरीके से क्या कर्म के में, कर्म में इसको संघर्ष करना पड़ेगा? सैटर्न के आगे और पीछे घर खाली है तो इसका मतलब ये है इसको कर्म में संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है सर। ये है होती है हम लोगों की, जितने घर खाली मिलते रहेंगे उतना उसकी लाइफ में संघर्ष बढ़ जाएगा। अगर संघर्ष के बाद उसको कोई मिलता भी है, चलो भाई एक घर खाली है, दूसरे घर में प्लैनेट बैठा है, वो प्लैनेट कैसा बैठा है हमारा, मैलेफिक प्लैनेट बैठा है या बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखनी पड़ती है हम लोगों को। अब कोई भी मुझे एक चार्ट बोल दो। मैम दोनों जगह खाली तो नहीं होते ना, जैसे पीछे खाली, पीछे है कोई या आगे है, आगे वाला खाली है। लेकिन लेकिन पीछे की यात्रा कैसी रही वो भी तो देखेंगे ना, पीछे की यात्रा कैसी रही, चार्ट, ये चीज हम लोग। बिल्कुल सर चार्ट दो, कोई भी चार्ट दो हम लोगों को। बोलिए सर, तीन नंबर का लगा लो मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, सर दिनेश सर से कह के मैसेज डलवाया उस ग्रुप में, दिमाग से सुबह उतर गया था। अच्छा सर, मैं प्लेनेट लिखवाना, लगन में मंगल है, लगन में मंगल, हाँ जी, थर्ड हाउस में चंद्रमा, थर्ड हाउस में चंद्रमा लिख लिया सर, फोर्थ में गुरु वक्री, पीटर वक्री, हाँ जी, और सिक्स में राहु, ये गैस बनती रहती है, नाइन्थ में मरकरी और सैटर्न, नाइन्थ में मैम, नाइन्थ में मरकरी और सैटर्न, और टेंथ में सूर्य और शुक्र, शुक्र वक्री है, ठीक है सर, हो गई कुंडली कंप्लीट। सर मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले मुझे बताओ जीव का ट्रेवल कैसा है सर, क्या जीव के आगे पीछे कोई बैठा है सर, मूवमेंट कैसी है जीव की? एक चीज को ध्यान रखना, जहां रेट्रो लिख दिया है मैंने उस प्लेनेट को आप पीछे से चलाएंगे, ठीक है सर, जहां रेट्रो लिख दिया है उस प्लेनेट को आप पीछे से चलाएंगे, छह पांच चार तीन, जीव अपनी लाइफ में लेकर क्या आया है सर बताइए, रेट्रो होकर इसको मिला क्या सर? चंद्रमा है क्या? चंद्रमा किस चीज का कारक है? थोड़ा सा सब लोग, एक फिक्रिंग का कारक है, एक ट्रेवल का कारक है, चेंजेस का कारक है, ठीक है सर, ब्लेम मैम छोड़ देंगे अभी, ठीक है, एक चेंजेस, ये चीजें पकड़ कर चलना। मैम मिला क्या है जीव को? चेंज, फ्लिकरिंग,
बदलाव, और उसके बाद जब जीव आगे चला तो आगे चलकर जीव की यात्रा कैसी है? कहने का मतलब है जीव यात्रा में कहीं ना कहीं दिक्कतें लेकर आया है, व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा होगा या बदलाव काफी किए होंगे व्यक्ति ने लाइफ में। सर बोलिए जिसका भी चार्ट है, हाँ या ना वाली बात। हाँ जी, हाँ जी, जीव के रूप में। मैम सर जिसको क्लियर नहीं हुई प्लीज वो मुझसे बात करे। ठीक है मैम। ठीक है सर आपका क्लियर है, जिसको मेरी बात नहीं समझ में आई प्लीज वो बात करिएगा। मैम मुझे क्लियर नहीं। हाँ जी मैम आप कह रहे हैं आपको क्लियर नहीं हुई, चंद्रमा के कारक तत्व हम लोगों ने बोले जी मैम। ठीक है चंद्रमा क्या देता है मैम, जीव को दिया क्या चंद्रमा ने, क्या दी? यात्रा है, ट्रेवल, चेंजेस, ठीक है ना। और उसके बाद जब जीव चला, हाँ सर बिल्कुल सही बोल सकते हो, चीटिंग जब जुड़ेगा ना सर थोड़ा सा राहु का प्रभाव आएगा, हाँ लेकिन ये मिला। अब सर जीव आगे बढ़ा, आगे बढ़कर कौन मिला सर जीव को? मंगल मिला तो मुश्किल दिक्कत है, ठीक है ना सर। आगे फिर केतु सर, कैसी यात्रा है जीव की? रेट्रो होकर मिल क्या रहा है जीव को? कुछ भी नहीं, सिंपल चार्ट पर करने आ गया सर। जीव का सफर थोड़ा सा मुश्किल है मैम, ये रेट्रो ही चलेगा फिर? हाँ जी रेट्रो चलेगा, बैक चलेगा ना उसकी मूवमेंट उसको। अगर ये रेट्रो ना होता, रेट्रो नहीं होता तब अपना जैसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, ओके उसी तरीके से चलता हमारा ये, अभी रेट्रो है, ठीक है ना। मतलब क्या मिला है, कोई और डाउट मैम? इसमें सैटर्न मैलेफिक में आएगा कि बेनिफिक में आएगा? अभी मैलेफिक में आएगा, ठीक है मैम, अभी मैलेफिक में आएगा। अभी मतलब मिल क्या रहा है जीव को, यहाँ तक तो दिक्कतें ही मिली है, उसके बाद ठीक है वो हम जब आगे प्रोग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं वो आगे के चैप्टर है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल टॉपिक, कुंडली कैसे पकड़नी है, कैसा रहने वाला है, कहीं ना कहीं जीव को दिक्कत बोलेगी। सर बताइए कर्म की यात्रा कैसी है जीव की, कर्म की यात्रा कैसी है सर जीव की? कर्म किससे मिल रहा है सर? सन से, कर्म मरकरी से मिला, कर्म सन से मिला, कर्म वीनस से मिला, ठीक है। कर्म अच्छा रहा लेकिन जीव को लाइफ में दिक्कतें रही है, ठीक है सर। कर्म के लिए चार्ट सही है लेकिन जीव को लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यस मैम। सर क्लियर हुई मेरी बात? मतलब कर्म के क्षेत्र में ठीक रहेगा, कर्म के क्षेत्र में सही रहेगा मैम, प्रोफेशन है ना सेटल। अगर पूछ ली जाए तो चाचा की लाइफ कैसी है मैम हम लोगों की, यहाँ पर चाचा हो गया, बड़ा भाई हो गया, सेटल से देखा जाता है ना, चाचा के बारे में कुछ पता लगाना है मुझे इधर, तो सेटल की यात्रा कैसी दिख रही है आप लोगों को? अच्छी यात्रा दिख रही है, अच्छी है, हाँ अच्छी यात्रा दिख रही है मैम। अब मैम मुझे ये बताइए मदर का कैसा है, मदर के लिए कैसा है चार्ट, व्यक्ति की मदर का कैसा रहा? मदर अच्छी है, मदर मतलब समझ में आई सर चीज नहीं, वो तो जो होनी चाहिए होनी चाहिए। मतलब मदर को आगे मिला कौन? जुपिटर। जुपिटर तो मदर की लाइफ सही है कहीं ना कहीं, आगे आगे चलकर फिर थोड़ा सा एक थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कत आई, ठीक बात है, ठीक है सर, क्योंकि जैसे जैसे प्लेनेट आगे बढ़ता जा रहा है वो मूवमेंट हम लोगों की बताती चलती है कहीं ना कहीं। अब सर ये व्यक्ति मेरे पास आया है, ये व्यक्ति मुझे बोल रहा है मुझे पार्टनरशिप करनी है सर, सर व्यक्ति मुझे बोल रहा है पार्टनरशिप करनी है। मैंने आप लोगों को बोला है पार्टनरशिप के लिए आप लोग देखोगे मंगल को, पार्टनरशिप के लिए आप लोग मंगल को देखोगे। दो मिनट के लिए मैं इसको हटा रही हूँ सर। मैम एक क्वेश्चन था यहाँ पर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए सर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ये नॉर्मल चार्ट देखने के लिए जुपिटर को, जुपिटर वक्रीय है इसलिए हमने इसको उल्टा चलाया है, या फिर हम केवल प्रोग्रेशन में इसको ये देखेंगे? नहीं सर, जुपिटर वक्री है नॉर्मल चार्ट देखने के लिए इसलिए हमने इसको बैक चला। जी मैम, लेकिन मैडम वक्रीय तो जुपिटर हुआ होगा, वो कुछ दिनों के लिए होगा, होता है ना? हाँ वो चीज ठीक है, लेकिन ये चार्ट में जब व्यक्ति पैदा हुआ ना सर उसको रेट्रो लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, लेकिन उस टाइम तो मैम वो कुछ दिनों के लिए ही वक्रीय होता है, शायद 120 दिन 140 ऐसा कुछ टाइमिंग है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, वो वक्री होता है, लेकिन जब हम लोग इसको करते हैं, जब प्लेनेट हम लोगों का वक्री होता है, हम लोगों ने यहाँ आर लिख दिया, रेट्रो लिख दिया सर, ठीक है ना। अब वो मुझे चार्ट में यहाँ पर मिल गया, लेकिन वो पिछले घर के, अगर बीएनएन जानते हैं थोड़ा, तो 90% के इफेक्ट देता है बैक वाले घर के सर,
हाँ मैं वो तो ठीक है पिछले घर के देगा, लेकिन मैं उससे भी पिछले घर की बात कर रहे हैं ना आप तो कह रहे हैं पूरा ही रोटेट कर दो उल्टा सब जगह। मैंने इसको अभी घुमाया है सर बस, अभी मैं ज्यादा उस पे नहीं गई, लेकिन एक प्रिडिक्शन के लिए मैं इसी तरीके से पकड़ूंगी इसको। अच्छा मतलब ऐसे ही पकड़ना है इसको, रेट्रो को अगर रेट्रो नहीं है फिर नहीं। हाँ हाँ वो तो ठीक है, कोई और कोई भी प्लेनेट सर ठीक है ना, बेशक वो थोड़े दिनों के लिए हो रहा है लेकिन प्रिडिक्शन के लिए हम लोग इसी तरीके से पकड़ेंगे यहाँ पर। यस ठीक है ना, कि यात्रा में क्या लेकर जा रहा है, लेकर क्या जा रहा है, जब मिलने के लिए जा रहा है, ये चीज है सर हमारी, हमने इसी तरीके से पकड़ना है फिलहाल इसको यहाँ पर। ठीक है सर, अब हम लोग यहाँ पर ये चीज को देखते हैं। अब मैं अगर व्यक्ति की पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पर बात करूंगी, तो पार्टनरशिप हम लोगों ने बोला मंगल से देखी जाती है सर। मैं बोलूंगी अगर मदर को अपने साथ में पार्टनर बनाते हो ना, तो आपके लिए सर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। अगर मदर साथ में पार्टनर बनती है तो बढ़िया रहेगा मैम, क्यों? आगे कौन मिल रहा है? जुपिटर। जिस दिन कोई गुरु समान व्यक्ति अपने साथ पार्टनरशिप में ले आए ना, उसके बाद आपको पार्टनरशिप में दिक्कतें आ जाएंगी। ज्यादा सियाना बोल सकते, ठीक है मैम, जिस दिन कोई ज्यादा वो लेकर आ गए ना, तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों? आगे कौन मिल गया? राहु। कौन दिक्कत देगा मैम हम लोगों को? तो दिक्कत आ जाएगी आपको यहाँ पर। मदर के साथ कर रहे हो, जब तक बेटी, बड़ी बेटी भी आपकी यही है, जब तक उसके साथ काम कर रहे हो, किसी प्रकार की मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन बीच में ये व्यक्ति आ गया, उस दिन दिक्कत आ जाएगी सर, क्योंकि इसको आगे कौन मिल गया? ये मिल गया। ठीक है, अब मैम ये हिसाब किताब मान लो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों का बनता, तो मदर के साथ जैसे ही पार्टनरशिप होती, व्यक्ति के काम में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती। यस मैम, ठीक है ना मैम, यहाँ पर दिक्कत आ जाती व्यक्ति को। तो अगर ऐसा चार्ट देखे तो हम मना कर सकते, पार्टनर बिल्कुल मना कर सकते हो पार्टनरशिप, लेकिन व्यक्ति आगे चाहेगा किसके साथ पार्टनरशिप करना? जो प्लेनेट उसको मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा। और जैसे अब मान लो मैम, ये दो प्लेनेट हम लोगों के ये बैठा हुआ है, ये मून बैठा हुआ है और मान लो ये वीनस बैठा हुआ है मैम, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लो ये आपका 5 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री हो गया, पहले ये पार्टनरशिप में है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, जैसे ही इसको भी इन्वॉल्व किया उसके बाद दिक्कतें आ गई। मैम मैम, ये जुपिटर के साथ हमने पार्टनरशिप को इसलिए वो क्या कि केतु से, केतु के ट्राइन में इसलिए? नहीं सर, मंगल को पार्टनरशिप के लिए देखा जाता है। कोई भी चार्ट है, पार्टनरशिप करने जा रहा है व्यक्ति, मंगल को आप देखिएगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब जुपिटर से पार्टनरशिप करेगा, हाँ, क्योंकि केतु उसके ट्राइन में इसलिए दिक्कत है। केतु उसके ट्राइन में नहीं, यहाँ पर था सर जुपिटर हम लोगों का, आगे जुपिटर को मिला कौन? राहु है ना आगे। अच्छा वैसे प्रोग्रेशन टाइप, हाँ जी, हाँ मतलब महावीर सर मूवमेंट, मूवमेंट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ट्राइन है, वो तो ट्राइन हम लोग उठाते ही हैं, लेकिन मूवमेंट का भी तो कहीं ना कहीं यूज होता है सर हमारी जिंदगी में। मैम अगर शनि मिल जाता है, शनि तो प्रोफेशन का ही कारक है, बिल्कुल प्रोफेशन का कारक है, लेकिन क्या करता, यहाँ पर थोड़ा सा डिले कर देता कई चीजों को, दिक्कतें बढ़ा देना, ऑब्स्टेकल्स डाल देना, वो चीजें भी तो है ना उसके पास देने के लिए। मैम पार्टनरशिप के लिए दोनों चार्ट में मार्क को ही देखेंगे, किसी भी चार्ट में पार्टनरशिप के लिए आप मंगल को देखोगे, मंगल की मूवमेंट यदि अच्छी है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, यदि मंगल की मूवमेंट खराब है तो पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते हैं। मैम अगर मंगल के साथ सेम हाउस में राहु होगा तो नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप? मंगल के साथ सेम हाउस में राहु होगा तो पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैम ये 5 डिग्री, ये 10 डिग्री, अब आप मुझे बताइए पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए क्योंकि राहु है आगे। बिल्कुल ठीक है मैम, अब मैम अब कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात छूट गया। मैम राहु भी तो उल्टा चलेगा अभी, लेकिन फिलहाल ऐसे नहीं, जब मैंने आप लोगों को डिग्री वाली चीजें करवाई है ना, तो मैंने आप लोगों को बोला जिसको किस हिसाब से लेना है, जब हम प्रोग्रेशन देखते हैं तब हम इसको चलाएंगे। बकरी तो मंगल का डिग्री ज्यादा होना चाहिए, मोर देन राहु। जब तो मंगल सैटर्न से मिलेगा तो आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी वगैरह भी हो सकती है, कह सकते हैं? नहीं बोल सकते हो मैम, लेकिन बंदा कहीं ना कहीं एक चुप भी लगा जाता होगा, ठीक है ना। मैम फायदा हो रहा होगा मंगल से, कैसे फायदा होगा? मरकरी से फायदा होगा कि जुपिटर से फायदा होगा? अगर हम कहें कि दोनों को पार्टनर होने से फायदा हो रहा है, कैसे होगा फायदा? एक नाम होगा, बिजनेस में सही रहेगा, एक ग्रोथ होगी, एक वेल्थ, ये चीज वेल्थ बढ़ेगी। कौन से प्लेनेट आपको दिक्कत दे जाएंगे?
लाओगे तो पार्टनर मैम मून को क्या कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर हम मैम यही पर लिखें क्यों वो यात्रा है चेंजेस काफी देगा कुछ चेंज करवाएगा क्या पता वो आगे ठीक है अगला कोई चार्ट बोलिए सर मैम जैसे इसमें अपन बोलते हैं चंद्रमा चीटिंग मानते हैं चेंज मानते हैं तो उसको पार्टनर लेकिन अब एक मिनट सर चंद्रमा को चीटिंग मानते हो लेकिन चीटिंग देगा कब राहु के साथ जुड़ेगा तब भी तो चीटिंग देगा ठीक है मैम ये भी तो बताओ ना सर मैम इसमें जैसे मंगल आपने बताया तो सारे हमने भाव देख रहे हैं या नेक्स्ट ही उसका देखना है उसके बाद नेक्स्ट हाउस देखो नेक्स्ट मतलब मूवमेंट मूवमेंट देखनी है राजीव सर हमें ना मतलब कि ऑल टोटल मतलब कि हाउसेस देखने पड़ेंगे हमको भी पहले जैसे चंद्रमा से मिला फिर जुपिटर से मिला फिर सैटर्न से मिला तो माफी सर ये राजीव सर मेरी बात समझना वो जब तक उससे मिल रहा था ना चंद्रमा के साथ में बैठकर काम कर रहा था किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी जुपिटर था ग्रोथ हो रही थी ठीक है सर ग्रोथ हो रही थी लेकिन जैसे ही जुपिटर जैसा कोई व्यक्ति आया आगे क्या मिल गया सर राहु जुपिटर अपने साथ में जुपिटर कैसा है मूवमेंट जुपिटर की कैसी हो रही है आगे रेट्रो को अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ तो ठीक है ना सर रेट्रो को भूल जाती हूँ वो तब की बात बोल रही हूँ मैं आपको दिक्कत नहीं मैम ऐसे किसी आदमी के साथ तो कोई तो पीछे जाएगा ना कोई किसी प्रकार की ज्यादा दिक्कत है चेंज काफी आएंगे मैम केतु को तो बेटा लेते हैं तो कोई भी बच्चे को ना 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 यहाँ पर आप केतु को बेटा नहीं ले रहे हैं यहाँ पर आप सन को ले रहे हैं पुत्र के लिए केतु लाल किताब में बेटा लिया जाएगा ठीक है मैम यदि केतु हो और आगे जुपिटर हो तो फिर कैसे लेंगे क्या नाना को ले सकते हैं नाना को ले सकते हो मैम केतु हो आगे जुपिटर हो एक चीज और याद रखना ये केतु हो गया ये सन हो गया ये मून हो गया मैम इनके बीच में यदि आ रखा है तो किसके साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है पिता और माँ के साथ आपके केतु किसके बीच में है ये देख लो आपका उसके साथ वैचारिक मतभेद है दोनों के साथ होगा साइड पे है तो केतु का हिसाब किताब देखो ये मैंने बीच में लिखा ठीक है अब मैम ऐसा हिसाब किताब बना हुआ है आपका केतु सन मून तो माँ के साथ कोई दिक्कत नहीं है सन मदर के साथ है मैम सन बड़ा बेटा नहीं है या कोई भी सन, बेटा सन को पुत्र के रूप में लीजिए फिलहाल आप हाँ मैम उनका जो आपने बताया जो मून ब्लेम या वो देता है चीटिंग सिर्फ के साथ ही हम देखेंगे जब वो जब तक चंद्रमा हमारा राहु के साथ किसी मैलेफिक के साथ नहीं जुड़ेगा कैसे दिक्कत देगा मैम मतलब मार्स के साथ होगा तो भी दे देगा मैलेफिक में मार्स भी आ जाए कोल्ड कफ की दिक्कतें भी दे देगा मैम बहुत सही लगी लेकिन एक डेमो क्लास चल रही है बड़ा मजा आ रहा है भूल गया मैं 9 बजे मैम केतु का मतलब मतभेद है क्या बोल सकते हो सर मतभेद वैचारिक मतभेद किसके साथ आपका हो सकता है ओके तो तोड़ता है ना सर केतु तोड़ता है ना अच्छा ओके तोड़ता है ना केतु आप लोगों को किसके साथ दी लिंक केतु का ही है ना सर दी लिंक कर देना उसके साथ में तोड़ देना अगला चार्ट बोलिए सर कोई भी मैं बोलूं मेरा ले लीजिए मैम न्यू मेरे को चार्ट में कुछ नहीं है मेरे को ये आप लोगों को चीज समझ मीन लगन की कुंडली है चीज समझ में आनी चाहिए मेरा सिर्फ ये पर्पस है सर कोई भी चार्ट हमारे पास आ जाए प्रिडिक्शन आप ही लोग करके बताओगे आप मुझे मीन लगन की कुंडली मैम इसके बाद मिरर ले लोगे क्या लेकिन प्रिडिक्शन कौन करेगा आप ही ना ठीक है ना मैम मेरा ले लो मैं न्यू ग्रुप न्यू ज्वाइन किया मैंने जो भी है डाल और जो नया है वही बंदा प्रिडिक्शन कर मुझे बताए सैटर्न थर्ड हाउस चलिए सर प्लैनेट बताइए सैटर्न थर्ड हाउस सैटर्न थर्ड हाउस में केतु फोर्थ हाउस जी एंड फिफ्थ हाउस में वीनस हाँ जी सर लिख दिए सिक्स हाउस में सन मार्स मरकरी एट्थ में मून एंड टेंथ में जुपिटर
जुपिटर और राहु सर। हाँ मैम। हाँ जी ये है। ठीक है ये चार्ट है सर। कौन मुझे आप ही लोग बताइए व्यक्ति के कर्म की यात्रा कैसी है सर? खराब है। कर्म खराब टुकड़े हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी कर्म में व्यक्ति को? कर्म ही प्रोफेशन भी बोल सकते हो। दिक्कत आई होगी? आप करिए प्रेडिक्शन करिए ना। सिंपल तो टॉपिक दे तो दिया मैंने, आगे किससे मिल रहा है? यात्रा कैसी है? सीधा पकड़िए मैलेफी का। यात्रा कैसी है? गड़बड़ है। यात्रा में दिक्कत दिख रही है सर? यस मैम। मैंने अब यहाँ पे केतु खराब कर रहा है लेकिन आगे वीनस मिल रहा है। आफ्टर मैरिज वो तो बाद में शादी होगी ना मैम। व्यक्ति पहले आ गया हम लोगों के पास, अब वो चीजें थोड़ी सी आगे देखी जाती है हम लोगों का कब तक खराब है वो आगे। लेकिन यात्रा में कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत। हाँ इसको एडॉप्ट कर रखा है फिर किस बात की दिक्कत है? एडॉप्ट कर रखा है फिर किस बात की दिक्कत है? फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है। चाचा की लाइफ कैसी रही है पूछिए सामने वाले से। वो भी गड़बड़ रही है। वो भी गड़बड़ रही है। ठीक है सर। दिक्कत हम दिख गई सर। चार्ट खुलते ही मतलब जितने जितने चाचा है सबके साथ ये माना जाएगा। सारी चाचा हो जाता है सर हम लोगों का ना। वो तो आप ही बताएंगे वो सर। आहा वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। लेकिन चार्ट खुलते ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि चार्ट कैसा है। कोई व्यक्ति कर्म को लेकर आपके पास आया है तो किसी के बारे में आप चार्ट को पकड़ सकते हैं सर यहाँ पर। मैम उसके बाद वीनस है तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे आप? करेंगे मैम अभी। कौन? कीर्ति मैम आप पूछ रहे हो उससे? हाँ जी हाँ जी मैम। आप तो प्लीज अभी रुक जाओ ना, मत करो ना। किस लिए मैं बोल रही हूँ? क्योंकि आप लोगों का प्रोग्रेशन आना है। जिनको बिल्कुल नया है उनको समझ में आने दें चीजें कि भी किस तरीके से चीजें हैं। आप लोगों का तो जब मैं प्रोग्रेशन करवाऊंगी तो डिग्री देखूंगी। डिग्री में कितने कब मिला इसे, हो सकता है निकल गया या निकल रहा हो, मुझे नहीं पता ना। एज क्या है सामने वाले की अभी? बाद में वीनस है तो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में अब एक चीज और सर, इसका रिश्ता है कर्म का मतलब प्रोफेशन है का मतलब सर? कर्म का मतलब प्रोफेशन है। कर्म का मतलब प्रोफेशन है। ओके मैम। ठीक है आपका ये बच्चे का रिश्ता आया है। ठीक है सर ये बच्चे का रिश्ता आया है। करेंगे अपनी बेटी का रिश्ता इससे काम को देखते हुए? नो नहीं। क्यों मैम? मैम करेंगे काम को देखते हुए। ठीक है क्यों करेंगे और क्यों नहीं करेंगे मुझे इन बातों के भी जवाब दो। जिसने ना बोला वीनस के सामने मर्करी सन है, शादी के बाद इसका प्रोफेशन ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ सर? और जिसने मना हम नहीं करेंगे क्योंकि शनि के आगे केतु आ रहा है। ठीक है मैम बिल्कुल। अगर उसने केतु को अडॉप्ट कर लिया तो सब आगे अच्छा ही होगा। अभी मान लो मैम नहीं जानता बेचारा कुछ भी केतु को अडॉप्ट करने के बारे में, आप इतना थोड़ा सा समझ कर चलिए। और मैम जब ये पैदा हुआ ना ये आप लगा लो दो डिग्री का लेकर पैदा हुआ तो कर देंगे शादी। थोड़ा थोड़ा सा मेरी बात समझिए, ये दो डिग्री का लेकर पैदा हुआ है सर। 28 साल तक ना इसने यहीं पर रहना है। ठीक है सर क्योंकि 2 साल काट दिए, 30 साल का है ना शनि। बात समझना, मैं आप लोगों को हिंट भी दे रही हूँ, आप लोग पकड़ भी लेंगे जो भी काम भी कर रहे हैं। ठीक है दो आपने 28 साल काटने हैं ना इसने यहाँ पर। ये बच्चे का रिश्ता आया है आपकी बेटी के लिए, अब इसने काट दिए तो जब ये कहा कितने साल में यहाँ पर प्रवेश कर रहा है? 29 साल में। तो मैम कर्म में तो दिक्कत ही दिख रही है मुझे यहाँ पर। 30 में आप उसको जोड़ दीजिए 30 साल और दिक्कत। 30 साल और मतलब 60 साल की उम्र तो मान लो 60 साल की दिक्कत तो यहीं पर ही। तो बताओ सर करोगे या नहीं करोगे? डॉक्टर या लॉयर के लिए तो कर दूंगा। हाँ वो अलग बात है भाई सर, हमारी ना वो अडॉप्ट होगी चीज, मतलब नहीं करेंगे। अब सर बात पलट रही हूँ मैं अपनी। सर ये है 29 डिग्री का, अब कर देंगे। अब ये जब लड़का आया है ना हम लोगों के पास रिश्ता लेकर, सर ये 32 साल का है मान लो, अब करेंगे आप? कर देंगे सर। हाँ जी सर उसके बाद ये और आगे देखो सर है, लेकिन आगे चलकर मिला क्या? सन मरकरी एक स्टेटस मिला, एक नाम मिला। फिर अगर ऐसे बच्चे का भाई जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, शादी के बाद तुम्हारा अच्छा हो गया, बात क्लियर हुई मैम? क्यों अच्छा हो गया? मैंने वो बात भी पलट दी थी अपनी, इस वजह से मैं 32 साल का घुमा दिया इसको। ठीक है ठीक है ठीक है मैम।
बात पलट गई ना फिर हम लोगों की वहां पर, तो दो डिग्री का बात नहीं पलट रही। ठीक मैम, एक चीज और है मैम, प्लीज मैम, यदि अभी हम आपने बताया कि शनि यहाँ पर दो नंबर राशि में 30 साल रहेगा, ये मैडम 2.5 साल का भी तो रहेगा, 2.5 साल भी तो मानते माइक्रो लेवल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, 2.5 साल का रहेगा, लेकिन सर बस उसी 2.5 साल आप लोगों को चीजें चाहिए क्या, उसके आगे चीजें नहीं चाहिए, 2.5 साल फिर 2.5 साल उसी के आगे यही चीजें चाहिए, पर 2.5 साल यहाँ पर दिक्कत देगा, कहने का मतलब है एक जगह प्लेनेट आ गया, जब शनि आकर बैठा है वो 30 साल के लिए आकर बैठा है सर मेरा, ये 2.5 साल का जब वहां पर मतलब 5वां साल पे आएगा, ये 5 साल करेगा ना, 2.5 2.5 जब ही देगा बस आकर सर कुछ दे दिया, तो एक अच्छी चीज मुझे चाहिए। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, किसके ज्यादा रिजल्ट आते हैं, 30 साल वाले के? डिग्री कली चीज सही हो तो चीज के अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब सर मैं थोड़ी सी बात को पलटूंगी जिसने भी ये चार्ट दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात को घुमाऊंगी, अभी हम लोग हाउस को भी नहीं देख रहे मैम, मेरी डॉटर है उसको मैं मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे आप लोग सिर्फ मेरी बात को समझिए, मैं बाद में आपका क्वेश्चन लेती हूँ। सर इस बच्चे से करेंगे रिश्ता? अच्छा पैसा बनाया है, मान लो यहाँ पर बच्चा जब आया 31 से 32 साल का हुआ, कई लोग सर आप लोगों ने देखा होगा छोटी उम्र होती है लेकिन अच्छा पैसा बना लेते हैं सर, बात दिमाग में रखना सर, अच्छा पैसा बना लेते हैं सर। अगर मान लो जब तक एक एज भी 11 इसकी आई है, हम लोगों को दिख रहा है आगे दिक्कत है, हो सकता है आगे बच्चा एडॉप्ट भी कर ले इस चीज को, अभी फिलहाल हम लोग दिक्कत ही बोलेंगे इसको, हो सकता है आगे इसको एडॉप्ट भी कर ले। अब इसने अच्छा पैसा बनाया है या कैसा पैसा बनाया सर? अगर मान लो सामने से ये देख रहा है तो कैसा पैसा बनाया है सर इसने? अच्छा बनाया, बहुत बड़ा। और मान लो बंदे ने यहीं पर ही बहुत बढ़िया पैसा कमा लिया है, तब भी नहीं शादी करोगे क्या? करने पड़ेगी, क्या दिक्कत है? अच्छा पैसा बनाया है, खराब पैसा बनाया है, वो साफ मतलब ये पूछ लेंगे ना, यहाँ पर आपने पैसा तो बनाया लेकिन पैसा कितना अच्छा बना सर? सामने यदि शुभ ग्रह देख रहे हैं तो एक अच्छा पैसा बना, मतलब मॉडिफिकेशन देख ले मैम, मॉडिफिकेशन कैसा मिला? मॉडिफिकेशन हाँ कीर्ति में सेवंथ देख लो, कहने का मतलब हाँ तो मॉडिफिकेशन ही बोल रहे, सही है वो मॉडिफिकेशन फिर तो भाई कमाया और खर्चा भी किया, ऐसा हुआ अप्स एंड डाउन्स रहे काफी, ठीक है ना, खर्चा भी हुआ। ये चीज वाली बात है हम लोगों की। यात्रा कैसी है प्लेनेट की सर, इसकी बताइए, मैं आपके सामने एक चार्ट रख रही हूँ, ये पार्टनरशिप के लिए आया है सर हम लोगों के पास तक, सर ब्रदर के साथ ना पार्टनरशिप करना चाहता है, करवा दू सर? क्योंकि मंगल है, छोटा भाई है, करवा दू सर? करवा दे सर ब्रदर के साथ में पार्टनरशिप, मान लो ये मंगल भी है और ये ब्रदर भी है, तो आगे सर करवा दे पार्टनरशिप? यस हाँ जी करवा देते हैं मैम, बढ़िया रहेगा। अब मैम ये बोल रहा है कि वाइफ ना घर में काफी ज्यादा वो कर रही है, तूने इसको बनाया तो मुझे भी बना साथ में पार्टनर, जैसे ही इसको लाएगा तो मैम क्या होगा? क्लियर हुई मैम मेरी बात आप लोगों को? अब जो मेरे को बोल रहा था ना, जिस व्यक्ति को चार्ट नहीं पढ़ना आता, अभी किसी ने बोला था मैं मुझे मैम वो तो मुझे पता, लेकिन मुझे नाम नहीं पता ना, मुझे एक बार आप चार्ट बनाओ और एक बार प्लीज चार्ट पढ़कर बता दो, जो कहते ना हम चार्ट नहीं पढ़ पाते, सिंपल टेक्निक है सर हम लोगों के पास, पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक मैलिफिक और बेनिफिक देख रहे हैं और आगे पीछे का रास्ता, अगर आगे पीछे का रास्ता खराब है सर, ये सैटर्न बैठा है मेरा, ठीक है सर, ये पीछे सर यहाँ पर जाकर कहीं मेरा मरकरी और सन बैठा है, सर बताइए सामने वाले के प्रोफेशन में दिक्कतें आएंगी? नहीं क्यों नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी सर? ट्राइन में है ये इसके, ठीक है सर, लेकिन मूवमेंट कैसी है? मूवमेंट अच्छी नहीं, मूवमेंट खाली है मैम, थोड़ी दिक्कत तो आएगी, दिक्कत आएगी सर, दिक्कत आएगी, कहने का मतलब है जब आगे पीछे घर खाली है, मूवमेंट में दिक्कत है, आप ट्राइन को देखकर सर करोगे क्या? ट्राइन तो मुझे पता है 100% रिजल्ट देगा,
वो बात की बात है, लेकिन मूवमेंट नाम की भी सर हम लोगों के पास चीज है, हिस्ट्री नाम की भी चीज है हमारे पास, मोडिफिकेशन नाम की भी चीज है, उनका भी तो सर यूज करेंगे। 7.5 साल खराब जाएंगे, मतलब हल्के जाएंगे। 7.5 साल ठीक है सर, महावीर सर 7.5 साल, लेकिन इसका हिस्सा इसका क्या है? तो हद की हद क्या हो जाएगा सर, 2 या 3 राउंड? क्यों? क्योंकि 30 साल का है। जुपिटर के राउंड हमारे ज्यादा चलते हैं, सैटर्न है ही 30 साल का, पीछे से भी लेके आ रहा है, जैसे मंगल पीछे आ जाए, वीनस पीछे जैसे आ जाए, पीछे से लेकर के आया, लेकर के आया, वही तो मैं कह रही हूँ, लेकर के आया है, मान लो आ गया आपके कहने पर, लेकर के आया, लेकर भी तो दिक्कत ही आया। ये ऐसे लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी खाली घूमते हैं, खाली घूमते हैं, समझ गए सर। हो सकता है सर बाप दादाओं ने पैसा जमा कर रखा हो। रास्ता खाली, ट्राइन के रिजल्ट नहीं मिलेंगे इसको ना, मिलेंगे वो एक बात है सर हमारी, ठीक है ना, लेकिन मूवमेंट के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, प्लेनेट चलेगा नहीं। अब सर ट्राइन को आप इसको इस तरीके से मानिए, सर आप एक शादी में गए हो, ठीक है सर, यहाँ पर है, और ये ना बहुत दूर जाकर खड़ा हुआ है, बहुत दूर जाकर, बीच में आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ये कह रहा है जब मैं फ्री होऊंगा ना आऊंगा अभी आपसे मिलने के लिए, ये अभी फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, जब तक आप देख रहे हो ऐसे बैठे हुए, बस कोई तो आए, कोई तो आए, मैं अकेला बैठा हूँ, कोई तो मिलो, जब तक आप बैठे हो, जब ये फ्री होगा तब आएगा। मैम काम तो सबको करना पड़ता है, पैसे भी सब कमाते ही है, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, मतलब ये बहुत कम कमाएगा, संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। कहने का मतलब है पैसे भी सब कमाते हैं, दिक्कतें भी आती हैं, एक इस नाम की भी कोई चीज होती है, वो कहीं ना कहीं चीजें एक्टिव करती रहती है। अभी एक सर ने बात बोली थी ना, मैडम 2.5 साल जाएगा, हम लोग उस चीज में मनाही नहीं कर रहे हैं कि जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन एक मूवमेंट ना बहुत ज्यादा वैसी मिली है। रास्ता कैसा है, कहने का मतलब है कौन सी कुंडली को सर आप अच्छा मानोगे, जिसमें यहाँ भी प्लेनेट है, यहाँ भी प्लेनेट है, यहाँ भी प्लेनेट है, ठीक है सर, और यहाँ भी प्लेनेट है, किसके आगे का रास्ता खाला है, खाली है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना सर। बोलिए मैम अपना चार्ट बोलिए, जिनको चार्ट नहीं समझ में आता। मैम ये क्या लिखा है हिंदी में, वो ट्रांजिट सर, ट्रांजिट। अच्छा मैम एक बात बताओगे, तो फिर आप जैसे कहते हो कि ट्राइन देता है, कंजंक्शन होती है और वो 100% रिजल्ट देता है, तो मींस यात्रा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, यात्रा ज्यादा जरूरी हो गई। यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं मैम, मुझे मिल कौन रहा है चलते हुए, जब मुझे चलते हुए कोई नहीं मिल रहा है तो यात्रा तो। अब मैम यहाँ पर मैं इधर मैं नहीं होऊंगी मैम, आप लोग हैं, कोई मतलब है मैम, आप लोग नहीं है मैं आ जाऊं, कोई मतलब है सर मेरा आने का, कोई मतलब नहीं है सर। हाँ जी, आप मेरे से कोई बातचीत करने के लिए भी तो आगे होना चाहिए ना, चाहे लड़ाई करने के लिए ही मिले, आप मान लो आगे मंगल है, कम से कम लड़ाई तो कर रही हूँ ना मैम, चाहे कैमरा ऑफ ही रखो, यात्रा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, सही है सर। आवाज म्यूट हो गए मैम, म्यूट हो गए, महावीर सर बिल्कुल सही बोला है। मैम बोलो, बोलिए मैम, बिल्कुल बोलिए, कर्क लगन है मैम, मुझे नाम भी बोल दीजिए ताकि मैं बोलूंगी ना। ये 5th हाउस में चंद्रमा बैठा है मैम, अपना नाम पूछा है। बच्चे की कुंडली है मैम, बच्चा बोलता नहीं है। मैं आप बोलेंगी ना, आप बोलेंगी तो मैं इसलिए कहती हूँ। हाँ जी बोलिए, चलिए मैम। 5th हाउस में चंद्रमा है और 7th, 6th में केतु है, और 7th में शनि और गुरु, 8th में मंगल, 11th में सन वीनस, 11th हाउस में हाउस, और 12th हाउस में मरकरी राहु, ठीक है चार्ट। क्या बोला है मैम आपने अभी? ये बच्चा बोलता नहीं है, 3 साल का हो गया। तो ये सही बोल रही है या ये गलत बोल रही है, आप लोग प्लीज एक बार जवाब दीजिए। बच्चा बोलता नहीं है, स्पीच का कारक मरकरी है। हाँ जी, राहु के साथ बैठा है, राहु बैठा है। मैम समझ गए हैं बात, उन्होंने जो बात बोली आपके आगे आके। मैम हम ये भी ले सकते हैं जुपिटर के साथ सैटर्न बैठा है इसलिए नहीं बोल रहा।
नहीं नहीं सर, मरकरी आपका स्पीच का कारक यहाँ पर पकड़िएगा, ठीक है। अब जीव क्यों, हाँ अब आप सेल्फ पर आ जाइए, सेल्फ का बताइए सर, बात आपने वो सही है, जुपिटर भी आपने सही। अब जीव का बताइए सर, जीव कैसा होकर आया है, कैसा होकर जा रहा है, आगे मंगल खेल रहा है, आगे जुपिटर मार्स का कनेक्शन। पहले एक मिनट, पहले बैक से देखिए कैसी यात्रा कर कर आया है जी। आगे मंगल मिलने जा रहा है, मंगल मैम, क्लियर हुई चीज आपको? इसके इसके मैम वो होगा कहीं ब्लॉकेज है कहीं, आगे जाके ऑपरेशन नहीं, चेक करवाया नहीं है, डॉक्टर कहते हैं मैम कुछ, ये कोई छलावा सा, जैसे ना कोई छल सा, जैसे राहु दिक्कत को पता नहीं लगने दे रहा, मरकरी स्पीच का कारण राहु एक छलावा, छलिया है ना मैम, छलावा दिक्कत नहीं पता लगने दे रहा वो। हां जी दिक्कत नहीं पता चल रहा, स्पीच थेरेपी चल रही है मैम 8-9 महीने से, बोली मतलब ऐसे गा पा यात्रा बता रहे हो कि आपने बोला मरकरी को हम पकड़ेंगे भाषा के लिए, तो मरकरी के आगे तो सारे घर खाली हैं, खाली तो है? उसके बाद जाके मून मिल रहा है उसको, हाँ जी मून मींस उसके दिमाग में कुछ ऐसा, मतलब मन में कुछ ऐसी कुछ बात कह सकते हैं, अगर हम बच्चा ना सोचे कि उसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा है मेंटल लेवल पे। मैम अभी रुको, अब इसके लिए हमें पता क्या चीज पूछनी है, बच्चे की एज कितनी है? 3 साल का होने वाला है मैम, 3 साल का होने वाला है मैम। 3 साल के बच्चे के मन में इस तरीके की कोई बातें नहीं है। देशकाल पात्र, इस बात को समझने पर जोर देना, देशकाल पात्र, 3 साल का बच्चा क्या वो बात करेगा मैम? मैम उसको जगह चेंज करनी पड़ेगी। हाँ सर, ये चीज आपकी बात सही है, थोड़ी सी जगह को बदल कर हम लोगों को चीज करवानी है मैम, जो भी आपने इसकी स्पीच थेरेपी करवानी, कौन सी होगी मैम ये यहाँ पर दूर लेके जाना पड़ेगा, मशीनरी आर्टिफिशियल जो इस तरीके वाली बातें हो रखी है सर, राहु है ना, थोड़ा सा आपको यात्रा करवा कर लेकर जाना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज होगी। इसकी वोकल कॉर्ड दबी होगी मैम, वो खुलवानी पड़ेगी। हाँ जी मैम, डॉक्टर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, यात्रा इसको यात्रा किसने कभी कैसे क्या रहा मैम, इसका नहीं समझो। मरकरी को आगे कौन मिल रहा है? राहु, सॉरी चंद्रमा। अच्छा ठीक, चंद्रमा मिल रहा है और मरकरी किसके साथ बैठा है? राहु के साथ। तो मरकरी को मैं दे रखा है ना, मरकरी को अगर चलाएंगे मैम वो रेमेडी, एक बार आपने बताया था ना मैम, कैंची वाली रेमेडी मैम, इसके लिए रेमेडी सर, कैंची वाली रेमेडी इसमें नहीं जाएगी हम लोगों की, इसके अंदर केतु होता तो कैंची वाली रेमेडी चली जाती। अच्छा अच्छा अच्छा, केतु कैंची है ना हम लोगों की सर। हां जी हां जी हां जी, कैंची वाली रेमेडी हम लोगों की चली जाती, इसमें कैंची वाली रेमेडी नहीं, इसको तो ट्रेवल कर लेकर जाना है मैम। ये मदर के साथ फॉरेन जाए, फॉरेन जाके ट्रीटमेंट कराए तो भी तो बेटर। अब नहीं है सामने वाले का बेचारे का बजट एक फॉरेन का, तो हम क्या रेमेडी देंगे? दैट्स अनदर थिंग, बट एक थोड़ा सा स्टेट चेंज करवाने का बोल सकते हैं सामने वाले को, न्यू एनवायरनमेंट की जरूरत। या एक चीज और बोल सकते हैं जी, मदर के साथ में ऑनलाइन, मदर के साथ में कोई ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर कोई बात हो जाए ऐसी। मैम इसका ये बिगड़ा यही है, इसने ज्यादा वो देखा है ना पोएम्स वगैरह, बचपन 5-6 महीने का ये देखने लग गया था, इसको दिखाने लग गए तो ये उसी में खो गया है, पोएम्स अच्छा, अच्छा, वो जो सॉन्ग्स होते हैं बच्चों के अच्छा, अच्छा, उसमें ज्यादा खो गया, उसमें ज्यादा वो राइम्स वगैरह जैसे ज्यादा है, बहुत कंसंट्रेट उसी में रहता है ये, मगन उसी में। यही इससे खुलवाने की कोशिश करिए आप, की बोल बेटा इसको बोल, ये कैसे बोल रहा है ऐसे, तू भी बोल, बहुत कर रही है मैम, बोल ही नहीं रहा, ये किस तरीके से सेटअप करवा रहे हैं, बोलते रहे मैम। मंगल भी तो ऐड होगा ना सर, मंगल हाँ सर बिल्कुल होगा, लेकिन सर अभी थोड़ा सा टाइम क्यों लग रहा है, आप ये भी देखिए ना, गोचर का शनि मंगल धीरे धीरे है ना, वो सर ऐड करोगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा है अभी सर, मैंने ट्राइंग को नहीं उठाया, ऐड होंगी कई चीजें, मैंने ट्राइंग को नहीं उठाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट को पकड़ रही हूँ, कुछ नहीं पकड़ रही सर। वो आप चीजों को ऐड करोगे, जिनको पता है वो ऐड करेगा चीजों को, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट को पकड़ रहे हैं। मैम आपने चेंज बोला आपने कि चेंज होगा, चंद्रमा, चंद्रमा चेंज का कारक है ना जी, इसलिए चंद्रमा मिलेगा, इसलिए चेंज होना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं मुझे ना बात नहीं समझ में आ रही है, सब लोग बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए मैम। मैम मरकरी बॉयज का कारक है और वो मून से मिलेगा, अगर बॉयज ठीक करनी है तो हमें यात्रा करनी पड़ेगी, मतलब चेंज करना पड़ेगा, जाना होगा या मदर के साथ में, कुछ भी ये ऑनलाइन चीज है तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी कहीं। मदर तो ऑनलाइन इसके वर्क करती है, ऑफिस करती है ऑनलाइन,
बच्चे को लेकर बैठ रही है ऑनलाइन अपने साथ में, बैठ भी जाता कभी, बीच में फर्क किसको है, बच्चे को ही है ना, तो मुझे बच्चे को साथ में जोड़ना पड़ेगा ना कहीं पर, जिसको दिक्कत है उसे तो पकड़वाना ही पड़ेगा ना चीज को। ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं बच्चे, तब आजकल बच्चों को ऑनलाइन गेम्स भी खिलाते हैं ना वीडियोस पे। वो खिलवा रहे, वो उसी ने तो किया है ना ऑनलाइन। कौन मदर साथ में लगकर खिलवा रही है, कौन खिलवा रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं कि मदर ऑनलाइन थी इसीलिए बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ऑनलाइन वर्क करती थी ये भी तो नहीं बोलोगे? मदर ने ही शुरू करवाया था पोएम्स वगैरह वो सुनाना और वो कलर्स। मदर ने ही शुरू करवाया था क्या? मदर साथ में लगकर बोलती है कि बेटा इस तरीके से बोल। हाँ जी हाँ जी, ट्राई करती है, बहुत ट्राई करे मदर मैम, ट्राई करे, थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है मैम, गणेश मंत्र बोलने के लिए कहिए। किसको? मदर को? हाँ मंगल के लिए, मंगल के लिए बोल रहे हैं गणेश मंत्र। अगर मदर बोलेगी सही है सर, वो चीज आप कर सकते हो चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐड करवाना पड़ेगा ना, मदर बुलवाएगी बच्चे से। हाँ मदर ऐड करना पड़ेगा ऑनलाइन करके, कुछ मदर करना पड़ेगा। मैडम 11 साल का बच्चा था तो उसको कौन सी उपासना देनी, सवाल आया था उस टाइम, गुरु और मंगल थे, तो एक तो आश्रमेश रहता था, एक ट्वेल्थ में जा रहा था, तो आखिर जब वो बच्चा बैठा था तो वो उड़ गया, इमीडिएटली उड़ गया, तो वो एस्ट्रोलॉजर ने पूछा क्या हो गया उसके पिताजी को, तो उसने कहा उसके पैर पर से उंदरी मतलब क्या बोलते रैट चला गया, बस वो बोला बस उसको मंगल की उपासना बोलो, और 3 दिन किया वो बात करने लगा, ऐसा अनुभव आया। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप सर, ये वो वाली दिनेश सर ये वो वाली बात बोल रहे हैं, जैसे जब मैं आप लोगों को क्लास में बताती हूँ आप लोग खाना खा रहे हैं और अगर ये वाली चीज आप लोगों के पास आ गई है, हाँ। ये उस तरीके वाली बात कर रहे हैं और बहुत सही बोल रहे हो सर आप, ये अगर जो व्यक्ति ये वाली चीज को पकड़कर प्रेडिक्शन दे देता है ना, और वो बिल्कुल सही प्रेडिक्शन जा रही है जिसको अगर इस चीज की नॉलेज है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, जितने इतने डॉक्टर कुछ हुआ नहीं। मैं समझ गई हूँ आपकी बात। मैम मंगल की क्या है ये पास में क्या करे? मैं मंगल की उपासना नहीं, उन्होंने एक लैंग्वेज बीच में यूज करी कि भी इस तरीके की बात थी, तो मैम कई लोग क्या करते हैं कुंडली को देखे बिना, अगर सामने पर वो चीज आ गई है या कुछ इस तरीके की बात हो गई है तो सामने वाले को वो चीज बोल देते हैं, सामने वाले का काम हो जाता है, कई लोग इस तरीके से भी प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है मैम। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर बोला मदर को लेकर साथ में बच्चे के यहाँ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है मैम। मैम इसमें और कोई कर्म करके वैसे कोई ठीक है, ऑनलाइन अपना ऑफिस कर रही है तो वहाँ साथ बिठा ले उसको, बच्चे से बुलवाए बच्चे को साथ में, बच्चा क्या करेगा ऑनलाइन काम में मैम उनके, तो कैसे उसको ऑनलाइन कैसे बुलवाए, मतलब बच्चे से आप बोल रहे ना राइम्स वगैरह बुलवाई जाती है, तो मदर साथ में बैठे कि इसको बोल आप किस तरीके से वो करना है, वो तो करवाती है, बहुत करवाती है ये चीज, बस मैम थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा ऑनलाइन ना बोल के दिखाती है, बल्कि वो मेरे पास था तो वो ऑनलाइन बोल रही थी उसको, वीडियो वो देख रहा था अपनी मदर को उसमें मोबाइल में, और वो ऑनलाइन पोएम सुना रही थी उसको। मैम एक बात सुनो, 100 बात की एक बात ये है, मदर इसके साथ में नहीं, मदर मदर सुना रही थी ऑनलाइन, मदर साथ में है नहीं है, मदर साथ में नहीं है, मदर अपने काम में व्यस्त है, आप सीधी बात यहाँ पर ये समझ लो, मदर साथ नहीं हो रही है बच्चे के, हर बार सर इन्होंने अभी 2-3 बातें ना इन्होंने ऐसी दोहराई, मदर ना उसको ऑनलाइन वो करवा रही थी, सर बच्चे को माँ का साथ चाहिए हमेशा, बच्चे जब तक माँ का साथ साथ नहीं, मदर साथ नहीं दे रही है, वो कह रहे अपने साथ काम पे बिठा ले, सर बच्चा बैठकर काम पर करेगा क्या मुझे ये भी तो बताओ, 3 साल का बच्चा बैठकर बेचारा करेगा क्या, मदर के साथ में इस तरीके से ऑनलाइन करके कुछ होगा तो बच्चा बोलने लगेगा, मदर को बोलो टाइम दे बच्चे, बताना नहीं थोड़ा बताना कि जैसे वो ऑनलाइन उसको पोयम रटवाए वहां पे दिखा के, बोल रटवाए नहीं थोड़ा थोड़ा बोलना सिखाए, क्योंकि आप कह रहे बच्चा बोल नहीं पा रहा है, रटेगा कैसे जब बोल ही नहीं पाता, जब बोलता ही नहीं तो नहीं, नहीं, वो करने मेरे कहने का मतलब है मदर माँ साथ साथ बोले बच्चे के, हाँ हाँ वो बच्चा अपने आप कोशिश करती है, बहुत बोलती रहती है, बहुत बुलाती है, ऐसी बात तो नहीं है, मैंने तो देखा बुलाती है, वो खुद ही बोलती होगी ना उससे तो बुलवाती, वो बोलता ही नहीं, आप ना मैम 2 बातें कर रही है, बोलती नहीं है वो, उसको बोलती है फोन पे ऐसे करके बोल, फिर आप बोल रहे हैं वो बोलती है, अब मैं आपकी कौन सी बात को सही मानूं? नहीं मैम वो सारे काम कर रही है, जैसे 2 दिन यहाँ रहा था तो वो ऑनलाइन जैसे वो उस पर चलिए मैम कुछ नहीं होता,
मैम सर किसी का और उस तरीके से चार्ट, ये तो एक स्पीच वाली बात हो गई, हम लोगों का ज्यादा जो कि भी एक चार्ट को किस तरीके से, हम लोगों को ये तो दिख रहा है दिक्कत है, ठीक है सर बस ये वाली बात, अगली कोई बात मैम कोई उपाय बता दो ना सर। यहाँ पर सामने वाले ने गणेश जी का वो बोल दिया, सबसे बढ़िया उपाय दिया, माँ को बोलो बच्चे का साथ दे, बच्चे के साथ दूसरे लैंग्वेज के पोएम सिखा दो मैम। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया रहेगा, दूसरी लैंग्वेज की बता दो, राहु है इंग्लिश, इंग्लिश में सिखाती है तो हिंदी में सिखाए आपके लिए, अगर आप भाई बाहर रहते हैं और आपके लिए इंग्लिश मात्र लैंग्वेज है तो हिंदी नहीं, नहीं यही रह रहे हैं ना, अगर हिंदी आपकी मात्र रह रहे हैं तो इंग्लिश सिखाइए। वो गुड़गांव में रहती है सर, दूसरा चार्ट लेती हूँ। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। कुछ बच्चे देर से भी तो बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं सर, ये बच्चा थोड़ा सा देर से बोलने वाला बच्चा है, सामने से अभी सैटर्न भी आया हुआ है, लेकिन सर जो बात हमने बोली है ना वो मतलब दो तरफा वो बात घूम रही है, कई जगह पर कहा जा रहा है माँ साथ दे रही है, कई जगह पर कहा जा रहा है नहीं, तो मैं बात पर नहीं जा पा रही हूँ। हाँ जी सर, अगला चार्ट कौन सा लगन मैम? तुला लगन मैम। कोई ऐसा चार्ट है जो व्यक्ति प्रॉपर्टी लेने के लिए घूम रहा है? हाँ मैम मेरे पास है, एक बार प्लीज मैम प्रॉपर्टी का चार्ट दीजिए, पैतृक संपत्ति का प्रॉब्लम है मैम, वो दे सकता हूँ सर। कैसे देखेंगे पैतृक संपत्ति? एट हाउस से मैम। एट हाउस का कारक वैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कौन है सर हमारा? मंगल। मंगल अगर कुंडली में मंगल चंद्र सूर्य सही स्थिति में नहीं है तो इसका मतलब पैतृक संपत्ति में दिक्कत है सर। सर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आठवां घर है पैतृक संपत्ति का, वो कारक भी है, ठीक है सर, और माँ बाप है जी। कहीं ना कहीं अगर ये दिक्कत में है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आएगी, अगर इनके साथ में कहीं ना कहीं ये जुड़ गया है तो लड़ाई झगड़े हैं, अगर ये जुड़ गया है तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी टिपिकल डॉक्यूमेंटेशन को लड़ाई झगड़ा होना कुछ भी टिपिकल है, मरकरी जुड़ जाएगा समझते हैं। नहीं दोबारा से बोलना सर, मरकरी जुड़ेगा तो चीटिंग हो जाएगी फिर तो सर, अगर वैसे करके जुड़ गया फिर तो हो ही गई सर। काल सर्प दोष की कुंडली है मैम ये जो अच्छा, मैं बता सर मेरे से ना कल क्लास में डिस्कस करना है इस चार्ट को, अभी थोड़ा सा डेमो के पर्पस से वैसे करते हैं, किसने प्रॉपर्टी लेनी है प्रॉपर्टी तो, बिल्कुल मैम प्रॉपर्टी के लिए चार्ट दो, लेकिन सबसे पहले एक चीज को समझ लो मैम, शनि वीनस, एक मिनट मैम, शनि जब वीनस से मिलेगा प्रॉपर्टी का योग बनेगा, गोचर का शनि वीनस से मिलेगा व्यक्ति की प्रॉपर्टी का योग बनेगा मैम, एक मिनट मैंने एक चार्ट डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, उसके बाद में आपका चार्ट ले लूं। मैम मिलने से ही होगा कि दृष्टि से भी काम चलेगा? दृष्टि से भी काम चलेगा, ट्राइंग से भी काम चलेगा। सैटर्न ना यहाँ पर आया हुआ है, पैसा आ रहा है वीनस पर, आ सर मरकरी, मरकरी पर जाएगा कमर्शियल प्रॉपर्टी आएगी, ये चीज याद रखना सर, मरकरी कमर्शियल का कारक है हम लोगों का, इस वजह से सर प्रॉपर्टी आ रही है। सर इसने तो हाँ हाँ आ रही है, लेकिन इसने बोला ढाई साल, अब कब सर? कब सर बताइए कब? अप्रैल के बाद सर, जब गुरु जब एक नंबर राशि में आ जाएगा, जब 22 अप्रैल के बाद जा रहा है ना सर, कौन से महीने में? कौन से महीने में? अप्रैल, अप्रैल में, अप्रैल 24 अप्रैल कैसे ये तो अच्छा, ये तो आपका जा रहा है ना 22 अप्रैल को, हाँ, जा रहा है आपका, ये खर्चा करवा देगा उस पे, खर्चा होगा जब भी तो प्रॉपर्टी आएगी सर। हम्म, लेकिन किस महीने प्रॉपर्टी आएगी बताइए ना सर, हमने सामने वाले को बोला 15 अगस्त के बाद आएगी, अगस्त में ही आएगी, उसको मूवमेंट करेंगे ते? महीने का कारक सर कब जाएगा यहाँ पर? अगस्त में, 5 में 3 जमा कीजिए, क्या होता है जिस भी राशि में देखना है सन कब मूवमेंट करेगा, 5 नंबर की राशि में सन कब आएगा, 3 जमा कर दीजिए, बताइए अगस्त में जी। सामने वाले का शनि भी, ये भी और ये भी दिख गया, यस मैम। कब सर? 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में जी। क्यों? मतलब संक्रांति, हाँ ये चीज बोलिए सर सामने वाले को, ठीक है मैम। अगस्त के बाद क्या बोला आपने, समझ नहीं आया, 15 अगस्त से 15 सितंबर बोला मैम। ओके ठीक है मैम, एक महीने का सन का ट्रांजिट, सन का क्यों पकड़ा
महीना कौन दर्शाता है मैम? सन। सन दिन कौन दर्शाता? हाँ दिन कौन दर्शाता है? चंद्रमा। डेट भी निकाल लोगे, डेट भी निकाल लोगे, यहाँ तक भी बोल दी। ठीक है मैम, चार्ट बोलिए जिन्होंने प्रॉपर्टी लेनी है। सबसे पहले तो गोचर मैम, मैं गोचर को देखूंगी, ठीक है। बस अभी मैं यहाँ पर आपसे गोचर की बात करूंगी, मैं प्रोग्रेशन की बात नहीं करूंगी। बोलिए मैम, कन्या लगाना है, किराए पे लेनी है मैम, उसके लिए बता दूं चार्ट? मैम बोलिए। फोर्थ हाउस में राहु। फोर्थ हाउस में राहु। हाँ जी। फिफ्थ में हाँ जी। और सेवंथ हाउस में मंगल और बुध। हाँ जी। एट हाउस में मून, वीनस और सन। मून, वीनस, सन और सन। टेंथ में केतु। ट्वेल्थ में जुपिटर। ट्वेल्थ हाउस में मैम। ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर। सर सामने वाला व्यक्ति हम लोगों के पास आया हुआ है प्रॉपर्टी की बात करने के लिए। सर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों के पास व्यक्ति आया है कि प्रॉपर्टी की बात के लिए जी। सर शनि आपका यहाँ पर गोचर कर रहा है। हाँ जी। हाँ जी ठीक है। आपका जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा सर जी, ठीक है सर। मतलब मॉडिफिकेशन तो कहीं ना कहीं पर दिख रही है ना सर हम लोगों को? हाँ जी है। मतलब चीज हम लोगों को बनती हुई दिख रही है सर? जी सर। चीज हम लोगों को बनती हुई दिख रही है सर। कब तक आने की उम्मीद है सर? बोलिए बोलिए सर बोलिए। ट्राइन को पकड़िए ऊपर पर बोलिए। जुलाई में आ जाएगा मैम। जुलाई सितंबर में। सितंबर में हो सकता है। 6 और 3 9 सूर्य वहां ऊपर से देखेगा सर। मैं ये सोच रही हूँ कुछ ऐसी चीज आप मुझे बताइए जिसमें शनि और जुपिटर दोनों का लिंक बन जाए सर। सब मैं मॉडिफिकेशन आ जाएगा मैम। ये जुलाई अगस्त में आएगा। जुलाई अगस्त के बाद ही तो लिंक बन रहा है ना। जब सैटर्न पूर्व भाद्रपद में वो करेगा। नहीं सर मैम उसको पकड़िए, मतलब महीने पे आइए मैम। हाँ पूर्व भाद्रपद अभी फिलहाल उतने पर आइए, उसको नहीं लेना। अगर मैं बोलूं एक मिनट सर, 7 में 3 जमा करिए कितना होता है? 10। 10वां महीना कौन सा होता है सर हमारा? अक्टूबर। अक्टूबर का टाइम बोले व्यक्ति को एक बार। हाँ सर मेरी बात समझिए। अक्टूबर मैंने बोला, अक्टूबर में ना ये भी है, अक्टूबर में ना ये भी है, बात मेरी समझ में आई है आप लोगों को? दोनों चीजें हैं मेरे पास, मुझे दोनों चीजों से संबंध बनाना है, ये चीज को समझिए। या मैम आप क्या बोल सकते हैं? 5वें में करिए, अगस्त हो जाएगा मैम। अगस्त में भी मैम ये तीनों है। अगस्त में भी ये तीनों है। मुझे तीनों का संबंध चाहिए सर। एक ने 2.5 साल बोला है, एक ने साल बोला है, तो एक महीना दर्शाएगा मुझे। Yes, मैम लेकिन अगर ये अगस्त में करता तो हो सकता है इसके साथ चीटिंग का योग बनेगा। अगस्त में करता है तो उसके सन राहु मून एरीज में हो सारा है। राहु भी तो बैठा है यहाँ, हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा हो सर। अच्छा ठीक है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर ये चीज, लेकिन सामने वाले को बोलते हैं लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर यहाँ पे आती है सही तब सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही बोल रहे हो बिल्कुल महावीर सर। राहु के साथ जुपिटर का ट्रांसिट भी तो आ जाएगा, तो वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन सबने अपना अपना कहीं ना कहीं कोई लड़ाई के लिए आ गया, फिर कोई बचाव के लिए भी आ गया। जुपिटर आ गया ना, क्योंकि बचाव भी हो जाएगा मैम। लेकिन अगर हम अक्टूबर में जाते हैं तो बड़े प्लॉट की जगह छोटा ले सकता है, क्योंकि केतु इसमें आ रहा है। केतु छोटा आएगा राहु सर। अभी जो आपका ये राहु हमारा 2 महीने बाद चेंज हो रहा है सर। केतु तो वर्गो में आ जाएगा ना? नहीं सर आप थोड़ा सा ट्रांजिट को ज्यादा महत्व देना, मैं ये बोलूंगी। अच्छा, थोड़ा सा ट्रांजिट को ज्यादा वो दे जाना, ट्रांजिट हमारा काम कर जाएगा। और सर अगर यहाँ की भी अगर बात करें, यहाँ की भी एक मिनट सर, यहाँ की भी अगर आप
इसके हिसाब से बात करते हो ना, तो सर ये हिसाब किताब देखो, व्यक्ति ना एक बड़ी प्रॉपर्टी का हिसाब लेकर चल रहा है। हाँ जी, ये चीज ध्यान में रखना सर, व्यक्ति को बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, छोटी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा व्यक्ति यहाँ पर। अब बड़ी प्रॉपर्टी सबके हिसाब से सर अलग है, वो सब जैसा किसी का हिसाब वैसी बात। अब जब ये प्रॉपर्टी की बात भी करी, एक मिनट सर, जब हमने ये प्रॉपर्टी की ही बात करी है तो सर एक चीज और भी देखनी चाहिए, देश काल पात्र, क्या सामने वाले की पॉकेट में कितना पैसा है। मैं भाई वही कह रहा हूँ कि अगर ये जून में सोचता तो बड़ा लेने की सोचेगा, अक्टूबर तक वो छोटा लेने में आ जाएगा। हाँ, वो केतु जुड़ जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं। अब सर ये भी हो सकता है महावीर सर 3BHK ले ले। हाँ वही, कॉर्नर का कोई ले ले या कोई पतली गली में, केतु का एट्रीब्यूट आ जाएगा। हाँ हाँ, वो आ जाएगा कहीं ना कहीं। हो सकता है बड़ी सर 3BHK भी हो सकता है, किसी के लिए छोटा हो किसी के लिए बड़ा हो 3BHK, 3BHK वो आ जाएगा, वो एड हो जाएगी चीज, वो हो जाएगी चीज हम लोगों की, है ना। मतलब ये हम लोगों का यहाँ पर ये बात बड़ी ले सकता है, राहु भी है ना साथ में, बड़ी ले सकता है। अब सर मैंने एक मिनट सर लेती हूँ आपकी बात, हमने बोला सर गाड़ी की बात भी हम लोगों की अगर देखा जाए तो इसी तरीके से देखी जाती है। अब यही व्यक्ति मान लो हमसे गाड़ी के लिए पूछता है सर, तो सर कुछ गाड़ी के बारे में बताइए। जून में गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी की अगर बात पूछता है क्योंकि गाड़ी के लिए भी वही बात चलेगी सर। व्हाइट या ऑरेंज कलर की, ऑरेंज के ज्यादा चांसेस, व्हाइट या ऑरेंज कलर की। अगर व्यक्ति ने व्हाइट कलर की ले ली तो नंबर गाड़ी का क्या हो सकता है, 5-1-1 आएगी ना चीजें कहीं ना कहीं सर। ठीक, अब मान लो अब इसके साथ में कौन कौन जुड़ रहा है, इसको पकड़ लो सर, राहु भी जुड़ रहा है मेरा, ग्रे कलर का कुछ हो सकता है। ओके, या बड़ी हो सकती है, राहु बड़ा भी कर रहा है ना, या बड़ी गाड़ी हो सकती है सफेद रंग की, ये नंबर हो सकता है। बड़ी गाड़ी हो सकती है ऑरेंज कलर की, ये नंबर हो सकता है। ये बड़ा ब्रांड के ज्यादा चांसेस है मैम इसके, हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखो मैम वो तो फिर समझने वाली बातें है ना, बड़े का मतलब या आप ब्रांड पकड़ लो या फॉर्म का ब्रांड चीज को पकड़ लो। मैम वो भी आ गया गाड़ी लेने के बाद उसका मकान छोटा आ रही है, मैं एंड में गाड़ी बड़ी आ रही है सर, चीज आ गई भाई एंड में, कह रहे हैं गाड़ी बड़ी आ रही है, चीज आप लोगों के सामने आ जाएगी। हाँ तो गाड़ी बड़ी आ रही है, मकान छोटा हो जाएगा। मैम हो सकता है ये डरा रहे ऐसी, हो सकता है 3BHK आपके लिए बड़ा हो ही नहीं, गाड़ी तो आ रही है बड़ी, और वो शायद ब्लू या ब्लैक कलर की है। ठीक है, तो रेड में वो आई गया, सन का आई गया, आ जाएगा सर। ब्लू भी बोला ना कहीं डार्क ब्लू में हमारा ये भी आ जाता है ना, ब्लू अभी है, राहु का कलर आ गया ना। देखो चीज हो जाएगी यार, आप जो मर्जी करो, जब ट्रांजिट आ रहा है ना, चीजें ला रहा है, आपको ये भी पता लग जाएगा महीना, आप दिन भी निकाल जाओगे। मैंने आप लोगों को ये हिंट दिया, आप लोग दिन भी निकाल जाएंगे। मैम वीनस की स्ट्रिंग में कलर देखने के लिए जो वीनस के आगे पीछे हो उसका कलर रहता है कि कोई भी स्ट्रिंग में? मेरी बात समझिए, हमने जुपिटर यहाँ पर आया है, सैटर्न आपका यहाँ पर आया हुआ है, आप इस बात को समझिए कि जो ये प्लेनेट है ना वीनस ना हम लोगों को गाड़ी देता है। अब वीनस की हम लोगों ने साथ में स्ट्रिंग बना ली यहाँ पर, जुपिटर तो चलो वो दिलवा रहे हैं, अब हमारे पास सन मिला, मून मिला, राहु मिला, सन मून राहु, राहु व्यक्ति ने बोला बड़ी बात हो गई मैम हम लोगों की। अब इन दोनों में से कलर हो जाएगा या इन दोनों में से एक नंबर हो जाएगा? कहने का मतलब समझना किस तरीके से है ना, अब हो सकता है कलर ये हो गया, ठीक है ना, अब ये चीजें हो गई हो हम लोगों की। नहीं मैम, मैं ये गाड़ी बड़ी, कोई पूछता है कि कलर कौन सा लेना चाहिए, तो हम वीनस की स्ट्रिंग में देख के क्या बताएं, वीनस के आगे पीछे वाले प्लैनेट का कलर बताना चाहिए गाड़ी लेने के लिए? जो भी प्लैनेट इसके साथ में बैठे उस तरीके से, और वैसे सबसे ज्यादा जो अच्छा कहा जाता है सिल्वर कलर बढ़िया रहता है मैम। हाँ अच्छा, क्योंकि अच्छा होता है, अच्छा रहता है। और मैम एक चीज, सामने वाले व्यक्ति का एक स्टेटस पता लगाना है आपने सामने वाले व्यक्ति से, एक लोग ना उससे सलाह नहीं, कितना करता हूँ लोग मेरे से सलाह लेने नहीं आते। मैम व्यक्ति के पैरों का साथ ही साथ उसकी गाड़ी का हाल देख लीजिए, क्या है, किस स्थिति में वो पैरों को रख रहा है, किस स्थिति में वो गाड़ी को रख रहा है, दोनों एक जगह वीनस उच्च का है, वो तो है ही वीनस, गाड़ी की खटारा हालत है, तो इसका मतलब आपको दो चीज की दिक्कत हो सकती है, दो में से किसी एक चीज की, वेल्थ या वाइफ। ठीक है, ठीक है मैम, कारक उठाया हमने, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, कारक उठाया बस मैम। हाँ जी मैम बोलिए।
बोलिए। हाँ बिल्कुल सर, पैर धोइए गाड़ी धोइए। हेलो मैम। हाँ जी मैम बोलिए। आपने कहा कि घर छोटा आएगा गाड़ी बड़ी आएगी, वो कैसे आपने डिफाइन किया? घर छोटा की बात नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने किस वजह से बोला कि अगर यहाँ पर आकर आप घर लेते हैं ना तो ये केतु से मिल जाएगा। प्लेनेट तो ये भी है लेकिन आप ट्राइन देखिए, केतु भी मिल रहे हैं, इस वजह से बोला। ये बड़े की बात करता है, ये छोटे की हो सकता है। मैम बड़ा ही हो, कॉर्नर का हो, गली बंद हो, बात ये है ना सामने वाले के लिए बड़ा कितना बड़ा है, ये वो वाली बात है। मैम केतु का एट्रीब्यूट शामिल होगा कहीं ना कहीं, कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पे घर लेते हैं यहाँ पे गाड़ी लेते हैं तो ये। और एक चीज और सर, 7 नंबर की गाड़ी जिस किसी की भी है, आप लोग बैठे हुए किसी की भी होगी, उसको आप लोग कम यूज करते हैं, बाहर वाले ज्यादा यूज करते हैं। अब मैम यहाँ पर एक चीज बताइए, मुझे बोलने दो, पहले पूरा बोलने दो। मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर व्यक्ति गाड़ी लेने के लिए जाएगा ना तो यहाँ पर व्यक्ति को सलाह दूंगी आप छोटी गाड़ी लीजिएगा, अगर यहाँ पे ले तो यहाँ पर ले ले बड़ी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे जाएगा तो छोटी गाड़ी लीजिएगा, और जब यहाँ पर आप मकान लेने के लिए जाएंगे तो 3BHK लीजिएगा, आएगा ही पसंद सर। वही वो तो सिर्फ मैं एक बात ही बोल रही हूँ, चीजें ही वही होनी है मैम जो चार्ट में है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा मैम, इसलिए हो सकता है सर किसी चीज के लिए कि भाई ये वाला पसंद आ रहा था मुझे, लेकिन कुछ भी सर, कुछ भी हो सकती है। देखिए कुछ भी बात हो सकती है कि भाई यही वाला लेना पड़ा, ऐसी बात हो जाए। खुली गली का पसंद आया था लेकिन ये वाली गली का मिला, पसंद आ गया। कई बार सर क्या होता है, फ्लैट सिस्टम बने हुए होते हैं दो इस तरीके से फ्लैट, एक अंदर को जाके फ्लैट, वो बड़ा होता है और देखने में सुंदर होता है, व्यक्ति को वो पसंद आ जाए। बात कुछ भी हो सकती है सर, है ना, मतलब होगी आपके जो जो प्लैनेट साथ में जुड़ रहे हैं ना, बात उससे ही संबंधित होनी है, आप ये चीज मानिएगा। सैटर्न और जुपिटर तो आकर एक्टिव कर रहे हैं चीजों को ना। जी मैम। हाँ जी बोलिए सर। अब आप आगे और पीछे कोई नहीं है प्लैनेट जैसे, हाँ जुपिटर के आगे पीछे कुछ नहीं है, तो जो 12th हाउस में है ना जुपिटर नेटल का, हाँ जी ठीक है मैम, इसमें जैसे आप कह रहे थे ना आगे पीछे कुछ नहीं होता, हाँ जी सही वही। देखिए मैम आइए, ये जुपिटर है मैम ना, इधर कोई है रास्ता खाली है जुपिटर का, और आगे क्या मिला मैम, दिक्कत दिक्कत। आप इसी तरीके से सैटर्न पर आइए, कुछ तो था, चाहे लड़ने के लिए ही था चाहे संघर्ष के लिए ही था, लेकिन था तो सही ठीक है, लेकिन फिर आगे चलकर क्या मिला मैम, दिक्कत। लेकिन साथ अब एक चीज और पता लगानी है मैम, दिक्कत मिली या क्या मिला, हो सकता है मरकरी पहले है मार्स बाद में है या ऑपोजिट है, वो हमें नहीं पता, वो हम डिग्री से ही जान पाएंगे। मैम इनसे ये पूछे कि इस बंदे के ख्वाब बड़े हैं, पूछिए सामने वाले से, इल्यूजन में रहता होगा किसी उसमें, या बड़े बड़े सपने देखने वाली बात बोल सकते हैं। ये अब्रॉड चला गया, राहु को यूटिलाइज कर लिया मैम। लेकिन 3BHK तीन कमरों का मकान सर, ये क्या मतलब केतु का कारक है? हाँ केतु तीन का। अच्छा आठों को किससे देखेंगे, कैसे देखेंगे मैम, मिलेगा ही घर या गाड़ी आएगी है, प्रॉमिस देखेंगे, प्रॉमिस तो देखेंगे ना, बिना प्रॉमिस के वो भी नहीं आएगी, बिना चीज के वो भी नहीं है ना। देखो मैम मून वीनस साथ में बैठा है ना, एक चीज समझना, मून वीनस साथ में बैठा हुआ है ना, एक चीज और सूत्र आप लोगों को देती हूँ मैम, दो बातें लिख रही हूँ मैं आप लोगों के सामने, कौन ट्रेवल करेगा पैसा आएगा, कौन है जिसका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, पहले में आएगा पहले वाले में खाली हो जाएगा, पहले का आएगा, पहले का बताइए, पहले ए का बताइए, चलिए पहले ए का बताइए, ये ट्रेवल करेगा पैसा आएगा या इसका बैंक बैलेंस आएगा, आएगा 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 आएगा। जब इसके ऊपर जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो सर क्या होगा, ट्रेवल करेगा पैसा आएगा, ठीक है बात हो भी आ गई मैम, गाड़ी लेगा प्रॉपर्टी बनाएगा, कुछ भी ना मैम, गाड़ी लेगा प्रॉपर्टी बनाएगा, खर्चा भी हम लोगों को दिख रहा है। अब मैम इसके बारे में बताइए, बेचारे के बारे में इसका पैसा तो निकलता जा रहा है, लेके उड़ जाएगा सर, एक चीज ना एक चीज और भी बोल सकते हैं,
लोन भर दे अपना पूरा। हाँ मतलब उड़ेगा तो हाँ पूरा खत्म ही हो रहा है, लोन भी चुका सकता है। ये चीज है ना हमारी, जब भी मून वीनस को देखो ना बहुत बातों का फर्क आ जाता है। आप बोल रहे ट्रेवल से पैसा आएगा सर, है ना, आप ट्रेवल से पैसा बोल रहे हैं व्यक्ति को, लेकिन क्या हिसाब है? हिसाब को देखकर बोलिए, चीजें हैं लेकिन हिसाब में फर्क है। इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है मैम, सेकंड वाले में बिल्कुल हो सकता है सर, हो सकता है व्यक्ति कोई प्लॉट लेकर डाल दे, कुछ भी लेकर कुछ कर दे, मतलब सही बोल रहे हो सर। आशिम मैम कल बात करते हैं उसके बारे में, जैसे जुपिटर के साथ सैटर्न हो, सैटर्न के साथ जुपिटर, उसको आगे राहु मिल रहा हो तो प्रोफेशन में दिक्कत आएगी? सैटर्न जुपिटर राहु जीव को आगे चलकर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, लेकिन प्रोफेशन के लिए ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है। अब लेकिन ये हिसाब किताब हम लोगों का बना हुआ है, जुपिटर सैटर्न, अब कर्म में दिक्कत बोलोगी? ओके अब कर्म बात पलट जाती है ना मैम, जैसे ही प्लेनेट पलटते हैं ना बातें पलट जाती है। जुपिटर सैटर्न साथ में, सैटर्न की डिग्री कम है, राहु आगे मिल रहा है। अच्छा आप ऐसा बोलना चाह रही है कुलविंदर मैम? हाँ जी है ना ऐसे ही। हाँ, हाँ तो जीव को कहीं ना कहीं या फिर फौरन जाना। सर दो बातें और बताइए, जुपिटर का गोचर राहु के ऊपर, राहु का गोचर जुपिटर के ऊपर, किसमें तबियत खराब होगी? राहु जुपिटर, ठीक है ना मैम। और किसमें व्यक्ति फौरन जाएगा? जुपिटर में बाहर जाएगा इसमें, कहने का मतलब कौन किसके गले मिलने आ रहा है? आपका दरवाजा खटकाया, ठीक है, कौन मिलने आया, ये वाली बात। जुपिटर राहु विदेश के योग है मैम, जुपिटर राहु विदेश के योग है सर, मैं बात नहीं समझी। जुपिटर राहु में विदेश के योग आएगा? बोल बोल यही बोला सर मैंने। अच्छा एक मिनट मेरी बात यहाँ पर सुनिए मैम। मैम अब राहु के ऊपर तो जुपिटर जा रहा है, मार्स के ऊपर राहु का गोचर एक्सीडेंट दे सकता है सर व्यक्ति को? एक्सीडेंट दे सकता है, दे सकता है सर। मैम अगर ये प्रॉमिस है चार्ट में मार्स राहु का, पर एक्सीडेंट कब होगा ये हमें कैसे? मैं वही बता रही हूँ। ओके वही बता रही हूँ मैम, ठीक है, ये प्रॉमिस है सर चार्ट के अंदर हम लोगों के। सर हम लोगों को पता है राहु आया है एक्सीडेंट होगा क्या सर? पूरे 18 महीने एक्सीडेंट, डेढ़ साल एक्सीडेंट ही होता रहेगा? ऐसा नहीं है। कब होगा सर? जब ये आएगा गोचर का राहु के ऊपर ना मैम, वो 45 दिन के अंदर मैम मार्स का बच जाएगा, बच जाएगा, हाँ जी बच जाएगा जी। कर देखेगा, हाँ जी मैम, यदि राहु आएगा तो पहले तो राहु ही आएगा, उसके बाद ही तो मंगल आ रहे हैं। राहु ने तो आके बोला कि भाई डेढ़ साल में मैं दे दूंगा। ओके ठीक है, होगा कब? क्या पूरे डेढ़ साल? नहीं, डेढ़ साल में कौन से 45 दिन, जब मंगल, मंगल पे मंगल का ट्रांजिट आएगा आपके चार्ट पे, जहां पर भी मंगल बैठा है वहां पर राहु का गोचर होगा, फिर वहां पर मंगल का गोचर होगा। और मंगल तो मैम रहेगा ना, जिस दिन आएगा वो आपको एक टाइम पीरियड दिख जाएगा, है ना। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम यूपीएससी की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है मैम, हम लोगों को एजुकेशन है ये, एजुकेशन मैम हम लोगों की मरकरी से भी देखी जाती है मैम, इसमें सन गवर्नमेंट का कारक हो जाता है हम लोगों का कहीं ना कहीं, इस वजह से उन चीजों को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसकी मरकरी का ट्रेवल कैसा है सर, किस चीज को देखिए, किस चीज को देखिए, वो तो ठीक है, मरकरी को देखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि इसकी मूवमेंट कैसी है, मूवमेंट को देखेंगे हम लोग सबसे पहले। मैम नेट के लिए भी मूवमेंट नक्की देखेंगे मरकरी की, कि वो कहाँ कहाँ किससे मिल रहा है, नेट के लिए भी मार्स मरकरी
प्लेनेट को ही पकड़ेंगे मैम हम, ठीक है हाँ जी ओके ठीक है मैम। हाथ से देखेंगे हैंड्स को? नहीं मैम, क्या देखेंगे मैम? मतलब हाथों को, फिंगर्स को, मतलब कौन से प्लेनेट से देखेंगे मैम? हम लोग ना ये थर्ड हाउस है हम लोगों का, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं आप मरकरी में ही गिनते जी, अपने आपके यहाँ तक की चीजें लिया जाता है आपका थर्ड साइन, ठीक है। ये चीज इसमें मैम, ये चीज कई जगहों पे शामिल इसलिए नहीं होती है मैम, पांच है आप इसके अंदर अभी पहनते हैं हर एक प्लेनेट की जी, इसको नहीं, आप यहाँ तक तीसरे साइन को गिनते हैं यहाँ पे। और यदि फिंगर्स और इनको देखेंगे तो किससे जोड़ेंगे? किसको मैम? ये हाथों को, फिंगर, मतलब हथेली और फिंगर मैम, इसमें हमारे सारे प्लेनेट का हिसाब किताब हो जाता है। अच्छा अच्छा, सारों का मतलब आप यहाँ तक देखोगे तीन को ना, ठीक है। इन बहुत फटती है तो मतलब इसका किस प्लेनेट की वजह? मरकरी और वीनस, मरकरी और वीनस स्किन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाते हैं मैम। कोई बहुत टाइम से एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है और फिर भी डाउट्स होते हैं तो उसमें कौन सा प्लेनेट होगा मैम? आप जुपिटर को, जुपिटर को भी देखते हो एक तरीके से, अपना मन में कहीं ना कहीं वो चीजें रहती है। आप अपने मून को थोड़ा सा देखिए, मून, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में फिर उस चीज को लेकर डाउट आ जाना, उस तरीके से वो चीजें हो रही है हम लोगों की। एक चीज मैम, आप लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो आप लोग सब लोग मैम, बस मैं सूत्र दे रही हूँ, कुंडली किसी के नहीं लगाऊंगी। D9 चार्ट को अपने देखिए, D9 चार्ट में जो भी आपका लगन है उसको देखिए, कोई तो लगन होगा आपका 1 से 12 जी। और फिफ्थ लॉर्ड कंसल्टेंसी करनी है आप लोगों ने, फिफ्थ लॉर्ड कोई तो प्लेनेट होगा सर, जहां पर भी बैठा है जब जब इनके ऊपर चंद्रमा मतलब गोचर करेगा आप उस टाइम कंसल्टेंसी दीजिए लोगों को, ये दिन रख दीजिए। फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर, फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर गोचर का चंद्रमा, जो भी लगन है आपका, कोई भी लगन होगा मैम 1 से 12 एग्जाम्पल के लिए, फिफ्थ लॉर्ड कौन है मैम मेरा? इधर वीनस, वीनस मेरा चार्ट में इधर जाके बैठ गया, चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा का गोचर, ये 5 दिन आप लोगों को मिलते हैं। आप प्रेडिक्शन करिए सामने वाले की, गलत नहीं जाओगे। ये नमाज खुल रही है D9? हाँ बिल्कुल सर, D9 मैम रिपीट कीजिए, समझ नहीं आया मैम प्लीज। D9 चार्ट को अपने खोलना है आपने, D9 चार्ट में जो भी आपका लगन है, लगन के ऊपर चंद्रमा का गोचर, फिफ्थ लॉर्ड जहां पर भी बैठा है उसके ऊपर चंद्रमा का गोचर, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड मून ही हो गया तो कैंसर साइन। एक मिनट, ये हो गया मैम फिफ्थ लॉर्ड मेरा एग्जाम, और यहाँ पर 12 नंबर की राशि लिखी है मैम, मून यहाँ पर चला गया, इसके ऊपर मून का गोचर, 12 नंबर की राशि पर। फिफ्थ लॉर्ड हम D9 का ही लेंगे कि D1 का? हम जो बात कर रहे हैं D9 की बात कर रहे हैं, D1 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है मैम। मैम ट्राइन और सामने में भी रहेगा तो भी करेंगे सर, हम लोगों ने काम किया, ट्राइन का भी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है सर, आ रहा है, ये मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है। चलिए सर, मिलते हैं फिर कभी डेमो में। और वैसे BNN की हम लोगों की क्लास 24 से स्टार्ट हो रही है, मंडे और वेडनेसडे को रात में 9 बजे क्लास रहा करेगी सर। हाँ ठीक है मैम। क्या सर फीस होगी मैम? मैम फीस कितनी रखी हुई है? मैम इसकी 25,000 फीस है, और ड्यूरेशन जो आपका बेसिक से एडवांस पूरा है। हाँ मैम, एक बार में दे दो, दो बार में, वन टाइम पेमेंट है मैम। मैम कितनी क्लासेस मैम, किस वजह से वन टाइम पेमेंट लेती हूँ मैं, आपको एक चीज और क्लियर करती हूँ, क्योंकि मुझे ना मैं शुरुआत में ही प्रोग्रेशन ये सब चीजें देने लग जाती हूँ, कोई ये नहीं कि हाँ आपको उलझा कर रखा पूरे लंबे क्लास तक, बीच में ही आप लोगों को ये चीजें पकड़ के आ गया ना मैम चार्ट, मेन बात सब लोगों के सवाल लो, सब लोगों की चीजें लो, अच्छे से ये चीज बताते चलो सामने मैम। वो भी बोला कितनी होगी, कितनी मैम? 45 प्लस क्लासेस मान सकते हो, क्योंकि जितने क्लास स्टूडेंट बढ़ जाते हैं ना सर, उतने क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ये चीज हो जाती है मैम। बहुत अच्छा सिखा रहे हो शुक्रिया। चलिए मैम मिलते हैं फिर कभी। हाँ
थैंक यू।